हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग सॉल्यूशन फोकस्ड काउंसलिंग के बारे में पढ़ेंगे आज इसको हम कभी कभी सॉल्यूशन फोकस्ड ब्रीव थेरेपी के नाम से भी देखते हैं कहीं कहीं लिखा होता है और ब्रीव थेरेपी भी बोल सकते हैं और इस थेरेपी का मेनली फोकस ये होता है कि हमें पॉजिटिव साइड देखनी है सोल्यूशन पर फोकस करना है रैदर देन प्रॉब्लम पर सोल्यूशन फोकस जैसे कि नाम से समझ आ रहा है कि जो भी हमारी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन है जो हम चाहते हैं कि हमारी प्रॉब्लम है लाइफ में उसका जो सोल्यूशन निकल के आना चाहिए उस चीज़ पे फोकस किया जाता है और पास्ट से ज़्यादा फ्यूचर के ऊपर फोकस करते हैं यहाँ पे तो पास्ट को नहीं देखते हैं प्रेजेंट और फ्यूचर को फोकस करते हैं क्लाइंट को बोला जाता है कि वो इमेजिन करें कि अगर उनकी प्रॉब्लम्स का कोई सॉल्यूशन हो सकता है तो वो उसको इमेजिन करें उसको विजुलाइज करें सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करें तो यहाँ पर पेशेंट्स की क्लाइंट्स की स्ट्रेंथ पर फोकस ज़्यादा होता है रादर देन वीकनेस पर मतलब पॉजिटिव साइड की तरफ़ देखना एम्फिसाइज़ किया जाता है थेरेपिस्ट क्लाइंट को असिस्ट करते हैं इन पेइंग अटेंशन टू दी एक्सेप्शंस टू देयर प्रॉब्लम पैटर्न्स कि जो उनकी प्रॉब्लम के पैटर्न्स हैं उसके क्या एक्सेप्शन हो सकते हैं वो इस चीज़ को फोकस करें कि, कि किस तरीके से अगर उनकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होती तो उसकी जगह पे और क्या हो सकता था क्या ऑल्टरनेटिव हो सकते थे तो एक तो इमेजिनेशन को बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे यूज किया जाता है और पॉजिटिविटी को ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता है इट इज़ कॉम्फिडेंसी बेस्ड मॉडल विच मिनिमाइज दी एम्फेसिस ऑन पास्ट फेलिंग्स तो पास्ट फेलिंग्स के ऊपर एम्फेसिस मिनिमाइज करके क्लाइंट की प्रेजेंट स्ट्रेंथ पे और सक्सेसेस पे जहाँ जहाँ पे भी वो क्लाइंट सक्सेसफुल हुआ है उसके ऊपर फोकस करने के लिए बोला जाता है तो मतलब उसको हम नेगेटिव साइड को याद करने के लिए नहीं बोलते हैं अगर कुछ याद करना ही है तो उसकी सक्सेस को याद करो अपनी स्ट्रेंथ्स को याद करो जो आपकी स्ट्रेंथ हैं पॉजिटिव चीज़ों को याद करो द मॉडल अज्यूम्स दैट सॉल्यूशन बिहेवियर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द क्लाइंट तो ये चीज़ इसकी एजम्पन है इस मॉडल की कि सोल्यूशन हमारे अंदर ही होता है अगर हम ध्यान से ढूंढे ध्यान से सोचे तो सॉल्यूशन हमारे अंदर ही होता है हम अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद ही ढूंढ सकते हैं सिर्फ हमें फोकस करने की ज़रूरत है जो हम नहीं कर पा रहे हैं तो मेनली हमें ऑल्टरनेटिवस खुद ही ढूंढने होते हैं अपनी प्रॉब्लम के और फोकस अपने ही सोल्यूशनस पे करना होता है सोल्यूशन फोकस थेरेपी फोकस ऑन पीपल स्ट्रेंथ कॉम्पिटेंस एंड पॉसिबिलिटीज़ तो क्या स्ट्रेंथ है हमारी कॉम्पिटेंस है हमारा और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं प्रॉब्लम के अलावा उसकी सोल्यूशन की और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं ना कि उनकी कमियों पे वीकनेस पे या लिमिटेशंस पे तो इन चीज़ों पे फ़ोकस नहीं करना है पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करना है इट एम्स टू हेल्प द क्लाइंट अचीव देअर प्रेफर्ड आउटकम बाय वर्किंग एंड को कंस्ट्रक्टिंग सोल्यूशंस तो क्लाइंट के जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको यूज़ करते हुए क्लाइंट को हेल्प करते हैं अपने पॉसिबल जो भी प्रेफर्ड आउटकम है अपने प्रॉब्लम का जो भी प्रेफर्ड सोल्यूशन है उसको वो अचीव कर पाए और एस एफ बी टी हेल्प्स क्लाइंट डेवलपर डिज़ायर्ड विजन ऑफ द फ्यूचर वेयर इन द प्रॉब्लम इज़ तो जैसे मैंने आपको बोला विजुलाइज करने के लिए बोला जाता है एक अपना विजन क्रिएट करने के लिए बोला जाता है कि आप अपना एक ऐसा विज़न डेवलप करो जहाँ पे आप अपने आप को फ्यूचर में उस प्रॉब्लम के बिना देखते हो जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में हो, उसके बिना आप देखते हो कि आपकी लाइफ में कोई कहते हैं जैसे मेरी लाइफ में सक्सेस नहीं है तो आप अपने आप को इमेजिन करो इन फ्यूचर कि आप बहुत सक्सेसफुल हो गए हो एक्सप्लोर करो अपने आप की अपनी स्ट्रेंथ एक्सप्लोर करो अपने रिसोर्सेज एक्सप्लोर करो बेसिक एजम्पन्स इसमें क्या है तो यहाँ पे जो एजम्पन्स हैं वो हर एक थेरेपिस्ट के अपने अलग अलग हैं किसी कोई एक पर्टिकुलर एजम्पन नहीं है इस थेरेपी का तो इन्होंने थेरेपिस्ट के अकॉर्डिंग एजम्पन्स दिए हुए हैं तो जैसे पहले थेरेपिस्ट वॉल्टर एंड पेलर जो जो इस थेरेपी को डिस्क्राइब एक्सप्लेन करते हैं एज हाउ पीपल चेंज एंड हाउ दे कैन रीच देयर गोल्स तो इनके जो एजम्पन्स हैं वो यहाँ इन्होंने डिस्कस किए हैं तो ये एज्यूम करते हैं कि जो लोग थेरेपी में आते हैं दे हैव कैपेबिलिटी ऑफ बिहेविंग इफेक्टिवली उनके अंदर एक कैपेबिलिटी होती है कि वो बहुत इफेक्टिवली अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं प्रॉब्लम फोकस थिंकिंग प्रिवेंट्स पीपल फ्रॉम रीऑर्गेनाइजिंग इफेक्टिव लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है कि वो अपनी प्रॉब्लम के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं रैदर देन सॉल्यूशन के ऊपर तो इसी चीज़ को चेंज करना है कि लोग अपनी प्रॉब्लम पे फोकस ना करके सॉल्यूशन पे फोकस करें क्योंकि वो इतने इफ़ेक्टिव हैं कि वो अपने लिए सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं सो अ पॉजिटिव फोकस ऑन सॉल्यूशंस एंड ऑन द फ्यूचर तो फोकस कहाँ करना है सॉल्यूशन पे और फ्यूचर पे तो अगर अपनी थिंकिंग को रीओरियेंट करते हैं क्लाइंट तो वो उस डायरेक्शन में सोचना शुरू कर देते हैं देर आर एक्सेप्शंस टू एवरी प्रॉब्लम हर एक प्रॉब्लम का एक एक्सेप्शन ज़रूर होता है तो उस एक्सेप्शन के बारे में बात करते हैं तो क्लाइंट को धीरे धीरे समझ में आता है कि कैसे वो अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकता है कैसे वो अपनी प्रॉब्लम्स को कंट्रोल कर सकता है रैपिड चेंजेस आर पॉसिबल वन द क्लाइंट्स आइडेंटिफाई एक्सेप्शनस तो ये जूम करते हैं वॉल्टर एंड पेलर कि बहुत जल्दी चेंजेज़ आ सकते हैं उनकी लाइफ में अगर वो एक्सेप्शन को आइडेंटिफाई कर लें क्लाइंट्स of प्रेजेंट ओनली वन साइड ऑफ to दिस थेरेपी side क्लाइंट्स तो जैसे कि क्लाइंट्स अपनी एक ही साइड हमेशा दिखाने की कोशिश करते हैं लेकिन इस थेरेपी के थ्रू वो अपने ऑल्टरनेटिव देखते हैं अपने आपके ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं अपनी हर एक साइड को एक्सप्लोर करते हैं चेंजेस ढूंढने की कोशिश करते हैं प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए क्लाइंट्स वॉन्ट टू चेंज ये जूम करते हैं कि हर एक क्लाइंट चेंज होना चाहते हैं उनके अंदर कैपेसिटी है चेंज होने की और वो अपना बेस्ट करते हैं चेंज होने के लिए तो थेरेपिस्ट ने उनके साथ कॉपरेट करना है उनको हेल्प करनी है उनको स्ट्रैटेजीज बतानी है किस तरीके से वो अपने आप की लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं क्लाइंट्स कैन बी ट्रस्टेड इन देयर इंटेंशंस टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स क्लाइंट्स को हम ट्रस्ट कर सकते हैं कि वो एक इंटेंशन से आए अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अब नेक्स्ट जो एजम्पन्स हैं वो है ओ हैंडलन और वीना डेविस के और ये भी कुछ अपने खुद के एजम्पन्स बताते हैं थेरेपी को लेके ये कहते हैं कि इंडिविजुअल्स हु कम टू थेरेपी एबिलिटी टू तो एक तरह से वही वाली बातें बता रहे हैं कि इनको ये लगता है कि जो इंडिविजुअल्स आते हैं थेरेपी के लिए उनके अंदर काफ़ी सारी स्ट्रेंथ होती है उनके पास रिसोर्सेज होते हैं और एक एबिलिटी होती है अपनी रिजॉल्व uh, करने की चैलेंजेस को चेंज इज ऑलवेज पॉसिबल इन ऑलवेज़ हैपनिंग ये इनका दूसरा जमशन है कि चेंज हमेशा पॉसिबल है और हमेशा होता रहता है काउंसलर की जॉब ये है कि क्लाइंट को हेल्प करे कि आइडेंटिफाई दी चेंज दैट इज हैपनिंग जो चेंज हो रहे हैं उनको वो आइडेंटिफाई करें मोस्ट प्रॉब्लम्स डू नॉट रिक्वायर ग्रेट डील ऑफ गैदरिंग ऑफ हिस्टोरी और ज़्यादा हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन गैदर करने की जरूरत नहीं है आपको ज्यादा पास्ट की इंफॉर्मेशन गैदर करने की जरूरत नहीं है इसमें रिजोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम डज नॉट रिक्वायर नोइंग वट कॉज इस चीज़ के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है कि प्रॉब्लम का कॉज क्या था मतलब अगर आप कॉज ढूंढ रहे हो तो इसका मतलब आप प्रॉब्लम पे फोकस कर रहे हो तो हमें ये चीज़ फ़ोकस नहीं करनी है हमें सॉल्यूशन पे फोकस करना है चेंजेस पे तो इस थेरेपी में ना चेंज एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इस थेरेपी में चेंज को बहुत वेलकम किया जाता है किसी भी तरीके का चेंज हो क्लाइंट्स आर मोस्ट क्वालिफाइड पीपल टू आइडेंटी थे बहुत जल्दी हम चेंज ढूंढ सकते हैं प्रॉब्लम को चेंज अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं और अपने आप को देखने का एक से ज्यादा तरीका सोच सकते हैं अपने सिचुएशन को देखने का उसके बाद जर्नल एजम्शन क्या है जो इन टोटल पूरी थेरेपी के लिए है कि क्लाइंट अपने खुद के एक्सपर्ट होते हैं वो अपने लिए बेस्ट सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं थेरेपिस्ट क्लाइंट का व्यू जो है उसको एक्सेप्ट करता है थेरेपिस्ट कोलैबोरेटिवली और कोऑपरेटिवली क्लाइंट की हेल्प करता है क्लाइंट के पास अपने खुद के रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं गोल्स स्पेसिफिक होने चाहिए बिहेवियरल औरबल अटेनेबल, अटेनेबल गोल्स होने चाहिए प्रॉब्लम को हम पॉजिटिव तरीके से भी रीफ्रेम करके देख सकते हैं फोकस किस पे होना चाहिए कि राइट right क्या है और व्हाट इज़ वर्किंग के आगे क्या हो सकता है गोल्स आर ऑलवेज सेट इन अ पॉजिटिव टर्म पीपल आर हाईली सक्सेप्टिबल एंड डिपेंडेंट लोग बहुत सक्सेप्टिबल होते हैं डिपेंडेंट होते हैं डोंट आस्क अ क्लाइंट टू डू समथिंग दैट ही और शी हैज़ नॉट सक्सेस तो कोई ऐसे काम करने के लिए क्लाइंट को ना बोला जाए जिसमें उसने पहले सक्सेसफुल नहीं हुआ है जिस काम में वो या उसमें सक्सीड नहीं हुआ कभी वर्ड एनालाइजिंग द प्रॉब्लम मतलब प्रॉब्लम के ऊपर ज्यादा एनालिसिस नहीं होना चाहिए सॉल्यूशन पे होना चाहिए बी अ सर्वाइवर नॉट अ विक्टिम तो आपको किसी भी प्रॉब्लम का विक्टिम नहीं बनना है उसका सर्वाइवर बनना है तो आप देख रहे हो इसमें सारी पॉजिटिव चीजों के बारे में ही बात किया है थेराप्यूटिक प्रोसेस में क्या होता है थेराप्यूटिक प्रोसेस में कोशिश ये की जाती है कि जो क्लाइंट की स्ट्रेंथ हैं और रेजिलियज हैं उन पे फोकस किया जाए और जो सॉल्यूशन है प्रॉब्लम के और जो एक्सेप्शन हैं प्रॉब्लम की उनके ऊपर फोकस किया जाए उसके बाद कोई सीरीज़ ऑफ़ इंटरवेंशनस डिवाइस की जाती हैं कि हम क्या चेंजेस करें या क्या ऐसा करें जिससे क्लाइंट को इनक्रेजमेंट मिले और उसकी थाट्स पॉजिटिव थाट्स में चेंज हो जाए तो एक गोल डिफाइन किया जाता है जिसको एक टाइम लिमिट के अंदर रीच करना होता है तो इसका पहला प्रिंसिपल ये कह रहा है कि स्टार्ट वेयर द क्लाइंट इज अडेप्ट टू द स्टेज इन विच द क्लाइंट फाइंड हिमसेल्फ सेल्फ कहाँ से शुरू करना है जहाँ अपने आपको क्लाइंट अभी देखता है तो देर कैन बी थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल हु एंड अप इन फ्रंट ऑफ दंस ऑफरिंग प्रोफेशनल हेल्प एक होता है कंप्लेनेंट जो कि क्लाइंट के ही बता रहे हैं कि क्लाइंट तीन तरह के होते हैं एक होता है कंप्लेनेंट हु डज नॉट हैव अ क्लियर रिक्वेस्ट फॉर हेल्प वो मतलब क्लियरली ये नहीं बोलता कि उसको हेल्प चाहिए वो कंप्लेंट करता है अ ड्रिंकिंग हाउस वाइफ दैट नो वे शी कैन को विदाउट ड्रिंकिंग एज लॉन्ग एज एज तो मतलब ऐसे होता है ना कि हम कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम हम अपने आप को चेंज नहीं कर सकते हमारा काम नहीं चलेगा कंप्लेंट करेंगे लेकिन हेल्प नहीं मांगेंगे एक होता है विजिटर जो हेल्प लेने के लिए ही आता है जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं दोस्त के पास जाते हैं रिलेटिव के पास जाते हैं द वन सेंट टू सीक फॉर हेल्प मतलब जिनको डॉक्टर्स भेजते हैं खुद नहीं आते हैं विजिटर डॉक्टर ने जैसे रिकमेंड कर दिया कि आप जाके थेरेपिस्ट से मिलो या किसी दोस्त ने भेज दिया रिलेटिव ने और बायर होता है जो एक्टिवली खुद हेल्प सीक करने के लिए आता है जो खुद आता है थेरेपिस्ट को ख़ुद ही फ़ोन करके अपनी अपॉइंटमेंट लेता है तो ये तीन तरह के लोग हो गए जो आना नहीं पसंद करते सिर्फ कंप्लेंट करते हैं एक ये हो गए जो जिनको कोई थर्ड पर्सन भेजता है वो खुद नहीं आते और एक बायर हो गए जो खुद अपने आप कॉन्टैक्ट करके आते हैं तो ये तीन टाइप के लोग होते हैं जो हेल्प सीक करते हैं थेरेपिस्ट से डिफाइंड एज थ्री स्टेजेस विच चेंज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन अब यही तीन स्टेजेस होती हैं जब एक थेरेपिस्ट और क्लाइंट सामने बैठे होते हैं शुरू शुरू में क्लाइंट कंप्लेंट करता है वो अपना अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में कंप्लेंट करता है धीरे धीरे uh, वो कोशिश करता है कि हेल्प लूँ भी लेकिन डायरेक्टली नहीं बोलता है फिर लास्ट में जब उसे ट्रस्ट हो जाता है अपने काउंसलर पे थेरेपिस्ट पे तो फिर वो अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने लगता है तो ये एक तरह से स्टेजेस भी हैं इस प्रोसेस की सेकंड प्रिंसिपल है यूज एंड एनहैंस क्लाइंट्स कॉम्पिटेंस क्लाइंट की कॉम्पिटेंस को यूज करो कि वो किस चीज में कॉम्पिटेंट है उसकी क्या एबिलिटीज हैं उसकी कोपिंग स्ट्रेटेजीज क्या हैं ब्रिंगिंग फॉरवर्ड एंड इम्प्लीमेंटिंग सोल्यूशंस डेट आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन क्लाइंट एंड दर सिस्टम तो जो चीज़ क्लाइंट खुद कर सकता है जिस चीज़ में वो खुद एक्सपर्ट है उससे उसको ही यूज करके सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करो तीसरा प्रिंसिपल कह रहा है डिफाइनिंग क्लियर गोल्स एंड ऑप्टेनिंग क्लाइंट्स को लेबोरेशन तो इसमें एक तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ दे गई है कि क्लियर डेफिनेशन ऑफ द गोल विच आर पर्सन कोपिंग विद वेरियस प्रॉब्लम शुड अचीव तो गोल एकदम क्लियर होना चाहिए क्लाइंट को हेल्प करो कि वो अपने गोल को क्लैरिटी से देख सके कि अपनी लाइफ को वो आगे कैसे देखना चाहता है वो कौन सी प्रॉब्लम है जिससे वो बाहर आना चाहता है और वो अपने लाइफ में क्या सॉल्यूशन आगे देखता है तो गोल एकदम क्लैरिटी से पता होना चाहिए नेक्स्ट प्रिंसिपल चेंज क्लाइंट्स परसेप्शन एंड एक्सपीरियंस तो प्रमोटिंग करेक्टिव इमोशनल एक्सपीरियंस इज अनदर बेसिक प्रिंसिपल करेक्टिव इमोशनल एक्सपीरियंस रेफर्स टू एक्सपोजिंग द पेशेंट अंडर मोर फेवरेबल सरकमस्टैंसेस टू इमोशनल सिचुएशन विच ही कुड नॉट हैंडल इन द पास्ट तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट करो जिसको जो उसके लिए फेवरेबल हो मतलब क्लाइंट को ये लगे कि ये तो ये चीज़ें तो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल हैं इस तरह के सरकमस्टेंसेज के सामने क्लाइंट को ले जाओ या एक्सपोज करो या इस तरह की चीजें उसको बताओ अवेयर करवाओ इस तरह की चीज़ों से उसके सरकमस्टेंसेस से जिससे उसको ये फील हो कि ये मेरे लिए फेवरेबल है द प्रिंसिपल इज कंसिडर्ड एज एन एफिशियंट इट इज डिस्क्राइब्ड एज एन एबिलिटी टू क्रिएट एक्सपीरियंसेज वेयर क्लाइंट हैज दी अपॉर्चुनिटी टू लर्न समथिंग न्यू तो क्लाइंट की परसेप्शन चेंज होगी पॉजिटिविटी की तरफ उसका एक्सपीरियंस चेंज होगा उसको और अपॉर्चुनिटी uh, मिलेगी कुछ नया एक्सपीरियंस नेक्स्ट है सॉल्यूशन ओरिएंटेड लैंग्वेज तो जैसे यहाँ पे क्लाइंट को खुद ही अपना सोल्यूशन ढूंढने में हेल्प करी जाती है तो थेरेपिस्ट का एटीट्यूड बहुत ट्रस्टिंग होना चाहिए रिस्पेक्टफुल होना चाहिए ये तो हर थेरेपी में बहुत जरूरी है कि थेरेपिस्ट इस तरीके से अपना एटीट्यूड शो करे कि क्लाइंट को उस पर ट्रस्ट हो प्लस यहाँ पे जो लैंग्वेज का यूज़ बोल रहे हैं उसमें जो वर्ड्स होते हैं इंटोनेशन होते हैं जिस टोन में आप बोल रहे हो जिस स्पीड में बोल रहे हो जो रिफ्लेक्सेस हैं उसका भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है फर्स्टली विल बिल्ड द ट्रस्ट एंड सेकेंडली विल हेल्प टू कम्युनिकेट तो पहले तो ट्रस्ट बिल्ड करना है फिर कम्युनिकेशन होगी आपके बीच में और क्लाइंट के बीच में तो इसमें आपकी यूज़ ऑफ़ योर वर्ड्स और बात करने का तरीका और ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होना चाहिए देन प्रिंसिपल सिक्स इज सेइंग रिस्टोर एंड एनहेंस होप एंड पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन तो हमेशा होप एंड पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन को ही फोकस में रखना है ये फाइनल आउटकम होना चाहिए थेरेपी का उसकी होप एनहैंस करना है क्लाइंट की उसका हीलिंग प्रोसेस इम्प्रूव करना है और उसकी एक्सपेक्टेशंस हमेशा पॉजिटिव रखनी है सॉल्यूशन फोकस्ड अप्रोच थेरेपी इज अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच द क्लियर गोल्स आर डिफाइंड बाय द पेशेंट थेरेपिस्ट इज द वन ट्राइंग टू एंगेज द पेशेंट बेस्ट ऑफ पेशेंट स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस पहले गोल्स क्लियरली डिफाइन होते हैं फिर पेशेंट की खुद की कॉम्पिटेंस और स्किल्स को यूज करके उन गोल्स को अचीव करने की कोशिश करी जाती है फोकस कहाँ पे होता है होप पे होता है हीलिंग पे होता है इम्प्रूवमेंट पे होता है गोल्स पे होता है नेगेटिव चीजों को डिसमिस कर दिया जाता है क्लाइंट थेरेपिस्ट uh, जो है एक तरह का साइलेंट एडवाइजर है जो क्लाइंट को खुद अपने सोल्यूशन ढूंढने में हेल्प करता है उसको परसुएट करता है और खुद नहीं बताता है जस्ट उसकी उसको एक एनवायरनमेंट ऐसा देता है जहाँ पे वो अपना सॉल्यूशन खुद ढूंढ सके तो सॉल्यूशन फोकस्ड काउंसलिंग एक तरह का कोलैबोरेटिव अप्रोच है दोनों के बीच में क्लाइंट और काउंसलर के बीच में दोनों मिलजुल के बिगिनिंग टू एंड तक काम करते हैं तभी ये थेरेपी सक्सेसफुल होती है तो रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों का Walter and Peller describe four steps that characterize the process. Find out what client want rather than searching for what. तो यहाँ पे ये है कि क्लाइंट को क्या सोल्यूशन चाहिए वो फाइंड आउट करो पैथोलॉजी पे फोकस नहीं करना है मतलब प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करना है उसको कैसे कम करना है उसके ऊपर फोकस करना है इफ द क्लाइंट क्लाइंट्स आर डूइंग इफ वॉट क्लाइंट्स आर डूइंग इज नॉट वर्किंग एनकरेज टू एक्सपेरिमेंट तो जो क्लाइंट अपना सोल्यूशन खुद से मान लो कोई क्लाइंट कहता है कि मैं ये चीज़ ट्राई कर चुका हूँ लेकिन इससे मुझे हेल्प नहीं मिली तो उसको दूसरे ऑल्टरनेटिव ढूंढने में हेल्प करनी है नेक्स्ट प्रिंसिपल है आपका की थेरेपी ब्रीफ बाई अप्रोचिंग ईट सेशन एज ए फिट वर द लास्ट तो ये बहुत इसमें अलग चीज़ बताई है कि इस थेरेपी में हर सेशन को लास्ट मान के चला जाता है क्योंकि तभी तो इसको ब्रीफ थेरेपी कहते हैं कि हम ये मान के चलते कि आज ही इसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना है हमें तो फोकस किस पे है कि कैसे चेंज होगा क्लाइंट मतलब कैसे सॉल्यूशन चेंज होने का मतलब है कैसे प्रॉब्लम वाली स्टेज से सॉल्यूशन वाली स्टेज पे आएगा तो यहाँ पे क्लाइंट का काउंसलर uh, का थेरेपिस्ट का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो बहुत ध्यान से सुने क्लाइंट क्या कह रहा है उसको समझे कनेक्ट करे उसके साथ फिर रिस्पॉन्ड करे तो इस तरीके से ये पूरा साइकिल चलता रहता है उससे जिससे क्लाइंट को अपने आप के सोल्यूशन एक्सप्लोर करने में हेल्प मिलती है गोल्स क्या हैं इस थेरेपी के तो मतलब इसमें गोल्स कैसे होने चाहिए आपकी थेरेपी में स्मॉल रियलिस्टिक अचीवेबल गोल्स होने चाहिए जो अचीव कर सके क्लाइंट और uh, गोल ओरिएंटेड जो भी उसके एक्शन हैं क्लाइंट के वो गोल ओरिएंटेड होने चाहिए कंट्रोल्ड बाय क्लाइंट होने चाहिए वो खुद से अपने गोल्स को कंट्रोल कर पा रहा है उसके अंदर सेल्फ इस्टीम बिल्डअप करें इस तरह के गोल्स होने चाहिए स्टेप्स अब इसमें कुछ स्टेप्स बताए हुए हैं जैसे पहला स्टेप है कि क्लाइंट्स आर गिवन अपॉर्चुनिटी टू डिस्क्राइब देयर प्रॉब्लम जब क्लाइंट अपनी प्रॉब्लम बताता है तो उसको टाइम दिया जाता है कि वो अपनी प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करें थेरेपिस्ट उस टाइम सुनता है उसकी प्रॉब्लम को ध्यान से और फिर पूछता है कि हाउ कैन आई बी यूजफुल टू यू कि मैं आपके लिए कैसे मैं आपको हेल्प कैसे करूँ सेकेंड स्टेप ये थेरेपिस्ट वर्क विद द क्लाइंट इन डेवलपिंग वेल फॉर्म फिर अगेन सेकेंड स्टेप गोल पे आ जाता है वट विल बी डिफरेंट इन योर लाइफ वैन योर प्रॉब्लम्स आर सॉल्व तो उसको ही मैं बोला पूछा जाता है कि अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो आपकी लाइफ में क्या डिफरेंट होगा थर्ड स्टेप so, जब प्रॉब्लम नहीं थी तब क्या अलग था उस टाइम क्या अलग था एट दिट सोल्यूशन बिल्डिंग कन्वर्जेशन ऑफर क्लाइंट समरी फीडबैक तो जैसे ये कन्वर्जेशन चलती है तो उसके लास्ट में एक समरी फीडबैक दिया जाता है एनकरेज किया जाता है क्लाइंट को एंड सजेशन दिए जाते हैं और डू बिफोर द नेक्स्ट सेशन और कुछ टास्क भी दिए जाते हैं उनको करने के लिए क्लाइंट्स को थेरेपिस्ट एंड द क्लाइंट इवेलुएट द प्रोग्रेस बीग मेड तो जो भी प्रोग्रेस हो रही है उसको इवेलुएट करते हैं दोनों मिलकर और क्लाइंट से पूछा जाता है कि आप, आपको क्या लग रहा है कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आगे नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए तो क्लाइंट से ही पूछा जाता है अब सोल्यूशन फोकस टास्क क्या है जैसे मैंने बोला कि कुछ टास्क भी दिए जाते हैं जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि उसको बोला जाता है बिटवीन नाउ एंड दी नेक्स्ट टाइम आई वुड लाइक यू टू ऑब्जर्व सो दैट यू कैन टेल मी नेक्स्ट टाइम अबाउट टाइम्स वैन यू आर एबल टू मेक इट हैपन मतलब नेक्स्ट टाइम जब आप आओगे तो मुझे बताना कि जब आप अपना गोल पूरा करते हो तो उस टाइम पे क्या अलग हो अलग क्या होता है अभी से और उस टाइम में क्या आप अभी जहाँ हो और अपना गोल पूरा कर लोगे उस टाइम आप जो होगे दोनों में क्या फ़र्क है ये क्यों दिया जाता है सो दैट क्लाइंट इज एबल टू कंस्ट्रक्ट अ प्रॉब्लम एंड गोल एंड आइडेंटिफाई एक्सेप्शन ताकि क्लाइंट एक्सेप्शन uh, को आइडेंटिफाई कर सके जब वो अपना गोल रीच करेगा तो उस टाइम वो कैसे देखेगा अपने आप को दूसरा टास्क है द क्लाइंट इज टोल्ड एंड आस्ट बिटवीन नाउ एंड द नेक्स्ट टाइम आई वुड लाइक यू टू पे अटेंशन टू एंड मेक नोट ऑफ वट यू डू वैन यू आर एबल टू इफेक्टिवली कोप और डील विद द प्रॉब्लम तो यहाँ पे बोला गया कि नेक्स्ट टाइम आप नोट डाउन करोगे कि अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो उस टाइम आप क्या करते हो तो इस तरीके से कुछ टास्क यहाँ पे दिए हुए हैं और टेक्निक्स क्या होती हैं इसमें जैसे मैपिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ द प्रॉब्लम दिस टेक्निक इज डेवलप बाय माइकल वाइट रेफर्स टू अ लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग एम डेट हेल्पिंग द क्लाइंट मतलब तो क्वेश्चनिंग करते हैं प्रॉब्लम ने प्रॉब्लम की वजह से क्या इन्फ्लुएंस हुई है उस चीज के ऊपर क्वेश्चनिंग करते हैं लाइफ ऑफ द क्लाइंट मतलब जो क्लाइंट की लाइफ है उसके ऊपर प्रॉब्लम की वजह से क्या इन्फ्लुएंस हुई है क्या उसके रिलेशनशिप में कोई फ़र्क आया है काम में फ़र्क आया है डेली फंक्शनिंग में फ़र्क आया है या कोई मेंटल प्रॉब्लम्स हो रही हैं जैसे डिप्रेशन हुआ है तो वो क्वेश्चनिंग करी जाती है कि प्रॉब्लम की वजह से क्या इन्फ्लुएंस हुआ है स्केलिंग मतलब ज़ीरो टू टेन के स्केल में उनको बोला जाता है कि आप रेटिंग दो जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं जो भी आपकी फीलिंग्स हैं आपकी प्रॉब्लम्स हैं उसको रेटिंग दो कि वो टू की स्केल में आप उसको कितना रेट करोगे जैसे बहुत ही ज्यादा बैड एक्सपीरियंस है तो टेन ओके ओके एक्सपीरियंस था तो फाइव इस तरीके से रेटिंग देनी होती है फिर आता है थर्ड स्टेप जर्नलिंग जर्नलिंग जैसे डायरी राइटिंग होते हैं उस टाइप की चीज है यहाँ पे क्लाइंट को बोलते हैं कि आप उस टाइम नोट करना जब आपको लगा कि आपकी आपने प्रॉब्लम को टैकल कर लिया या कभी ऐसा हुआ जब आपको लगा कि प्रॉब्लम नहीं हुई आपके साथ और आपका गोल अचीव हो गया तो उस टाइम आपने क्या किया था उस सब उन सब चीज़ों को आप कहीं ना कहीं नोट डाउन करके रखोगे एक लॉग बना के रखोगे उसका जो आपको आगे हेल्प करेगा दोबारा से उस प्रॉब्लम से डील करने में नेक्स्ट है व्हाट इज बेटर जो डी सेजर ने प्रपोज किया था सिंपल क्वेश्चन दैट काउंसलर यूज तो इसमें क्वेश्चन क्या होता है व्हाट्स बेटर मतलब क्या चीज़ इससे बेटर हो सकती है क्या नया हो सकता है वट डू यू वॉन्ट टू टॉक अबाउट अब किस बारे में आगे बात करते हैं मतलब सोल्यूशन पे फोकस करा जा रहा है कि आपको क्या लगता है कि आगे क्या और अच्छा हो सकता है देन सरप्राइज टास्क वेन वर्किंग विद कपल्स एंड फैमिलीज तो इस केस में जब एक से ज़्यादा लोग होते हैं तो उनको ये सरप्राइज टास्क दिया जाता है तो एक फैमिली uh, मेम्बर को इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि दूसरे को सरप्राइज करना है ऑन टू ओकेजन्स एंड उनको फिर ऑब्जर्व करना है कि दूसरा पर्सन क्या करता है जब वो उनको सरप्राइज करते हैं तो ये आपस में एक दूसरे को सरप्राइज करने का टास्क दिया जाता है देन वी हैव इक्लेक्टिसिज्म। इक्लेक्टिसिज्म मतलब होता है कि हम अलग अलग टेक्निक्स यूज कर रहे हैं एक साथ तो यहाँ पे अलग अलग स्ट्रेटजीज और डिफरेंट इंटरवेंशन का यूज किया जाता है अब क्वेश्चनिंग टेक्निक लास्ट चीज़ है इसमें क्वेश्चनिंग टेक्निक मतलब किस तरह की क्वेश्चनिंग होती है तो एक मिराकल क्वेश्चन बोलते हैं बड़ा फेमस है ये चीज कि एक पावरफुल दिस इज पावरफुल इन जनरेटिंग द फर्स्ट स्मॉल स्टेप ऑफ सॉल्यूशन स्टेट बाय हेल्पिंग क्लाइंट टू डिस्क्राइब स्मॉल रियलिस्टिक स्टेप्स मतलब उनको ये बोला जाता है कि वो अपने सॉल्यूशन को एक छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के कैसे उसको सॉल्व करना है उसके बारे में सोचें प्लस अगर वो इन फ्यूचर अपने आप को देखते हैं कि उन्होंने पूरी प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया और उस टाइम उनकी लाइफ में वो प्रॉब्लम नहीं है तो वो अपने आप को कैसे इमेजिन करेंगे तो ये मेरा क्वेश्चन हो जाता है देन स्केलिंग क्वेश्चन स्केलिंग क्वेश्चन वही हो गए जैसे मैंने ऊपर आपको स्केलिंग टेक्निक बताई कि स्केल ऑफ वन टू टेन उनको स्केल करना होता है अपने एक्सपीरियंस को एक्सेप्शन सीकिंग क्वेश्चन होते हैं कि जब एक्सेप्शन को सोचने के बारे में बोला जाता है कि प्रॉब्लम के एक्सेप्शन सोचो कि जब उस प्रॉब्लम को आप सोचते हो कि वो प्रॉब्लम नहीं है उसके एक्सेप्शन हैं आपकी लाइफ में कोपिंग क्वेश्चन है कि किस तरीके से वो कोप करेंगे अपनी प्रॉब्लम को हाउ हैव यू मैनेज टू कैरी ऑन आपने कैसे कोप अप किया उस टाइम पे या आपने कैसे मैनेज किया कि चीज़ें और ख़राब ना हो एंड प्रॉब्लम फ्री टॉक होते हैं जब जहाँ पे थेरेपिस्ट uh, और क्लाइंट एक इस तरह का एटमोसफियर बनाते हैं जहाँ पे वो पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर बात करते हैं प्रॉब्लम्स के ऊपर नहीं तो ये थी सॉल्यूशन फोकस्ड काउंसलिंग अब हम नेक्स्ट ब्लॉग शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग